आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा में छात्र संगठन एनएसयूआई का आज स्थापना दिवस कांग्रेस के द्वारा मनाया गया। कांग्रेस कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान छात्र संगठन के पदाधिकारियों सहित कई छात्र एवं युवा उपस्थित हुए। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस रीवा जिला अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा सहित प्रदेश सचिव गुरमीत सिंह एवं विभिन्न पदाधिकारियों में छात्र संगठन एनएसयूआई के संबंध में आज के युवाओं एवं छात्रों को संदेश दिया। इस दौरान छात्र हित में किए गए कार्यों एवं अन्य सामाजिक कार्यों के लिए छात्र संगठन एनएसयूआई के पदाधिकारियों सहित विभिन्न छात्रों को पुरस्कृत भी किया गया है। स्थापना दिवस के अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को याद करते हुए उनके चित्र में माल्यार्पण कर स्थापना दिवस की शुरुआत की गई। आपको बता दें कि आज एनएसयूआई का 40वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। यह भारत में सबसे बड़ा छात्र संगठन है जिसकी स्थापना 9 अप्रैल 1971 को देश की पहली प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के द्वारा की गई थी। जिले और प्रदेश की राजनीति में भी एक अच्छा वजन बनने लगा। मैं अपने दोनों अतिथियों से निवेदन करूंगा कि हमारे इंदिरा गांधी जी के छायाचित्र पर देखिए, एनएसयूआई का स्थापना दिवस है। एनएसयूआई की स्थापना इंदिरा जी ने की थी। जब इंदिरा जी कांग्रेस अध्यक्ष हुआ करती थी तब एनएसयूआई की स्थापना हुई थी। और आज ये छात्रों को हमने एक अच्छा नागरिक बनने के लिए, एक अच्छा भारतीय बनने के लिए और एक लोकतंत्र की रक्षा के लिए, एक अच्छा सिपाही बनने के लिए और देश की ख्याति पूरे विश्व में स्थापित करने के लिए आज हमने उनको एक संकल्प दिलाया है। और हमारे ये जो छात्र हैं, ये हमारे देश का हर किस्म का भविष्य, ये देश के राजनीतिक भविष्य, ये देश का वैज्ञानिक भविष्य, ये हमारे देश का एक अच्छा सांस्कृतिक भविष्य है।